किसको गोली मारोगे? ये अंग्रेज के दलाल लोग किसको गोली मारेंगे जिसने अंग्रेज की मुखबरी की? ये मनुवादी, ये आरएसएस, वो कहता है गांधी के पोता को गोली मारेंगे, वो कहता है कि अंबेडकर के पोता को गोली मारेंगे, भगत सिंह के नाती को गोली मारेंगे, किसको किसको गोली मारोगे? ये दलाल लोग गोली मारेंगे? जो कानून लाया वो सड़क पर क्यों उतर रहे हैं उनसे पूछो ना। ये तो दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को वोट से, उसके राइट से अलग कर रहा है ये कानून। तो गरिया ने कहा 14 करोड़ हिंदू, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ से ज्यादा दलित, आदिवासी, बंजारा, घुमंतू जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको आप जमीन से, सब्सिडी से, नौकरी से, वोटिंग राइट से अलग करना चाहते हो। मुसलमान बहाना है सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए। जो दिल्ली में नफरत की राजनीति हो रही है वो खतरनाक राजनीति है, उससे ज्यादा। इसलिए जब तक ये नफरत की राजनीति करेगा, यह देश की आवाज पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी और पूरी पार्टी, चाहे वो बाम हो, सेफ हो, चाहे वामपंथी पार्टी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी इसके खिलाफ रोजगार के लिए, महंगाई से बचाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। ये एनआरसी में नफरत पैदा करना चाहता है, सीएए में, एनपीआर में। सर एक सवाल, जब आपके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है तो आप भारत में रहने के कैसे अधिकार? सर एक बात बताओ, अदनान स्वामी को कौन सा दस्तावेज था? और दूसरी बात, ये कौन कहा नागरिकता, जो नागरिकता नहीं है, घर में कोई डकैती किया तो डकैत को खोदोगे कि पूरे गांव को उठा के ले आओगे? ये दोगला लोग, ये दलाल लोग, ये देश तोड़ने वाले लोग, उसको क्या कहा जाए? जो बेटी को कौन है देशद्रोही? जो देश को तोड़ता है बीजेपी आरएसएस, वो जो खून को बांटता है वो? अदनान स्वामी को नागरिकता दिए कि नहीं? आर्टिकल 14 में है कि नहीं? आप जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है उसको आप चिन्हित करो, कौन मना कर रहा है? आप कह रहे हो ये जाति, ये मुसलमान, ये गाली दोगे जाति पर? कभी दलित को गाली, कभी आदिवासी को गाली, कभी ऊंची जात को गाली, ये नहीं चलेगा। यह देश महंगाई से छुटकारा चाहता है, रोजगार चाहता है। 41,000 फैक्ट्री बंद हो गई, देश में गाली गलौज की राजनीति चल रही है, नहीं चलेगा। सर इतिहास मेरा है, और मेरे इतिहास पर हमला करोगे तो मिट जाओगे, और माँ पर हमला करोगे तो रावण और दुर्योधन जैसा हस्त होगा। नफरत मत पैदा कर, मिट जाओगे। इजराइल के पैसे पर काम करना बंद कर। तुम पूरे मोहल्ला और देश को थाने में नहीं बुला सकते, तुम डकैत को खोजो। और ये कौन है बीजेपी की भाषा, सर्जिल सर्जिल? ये बीजेपी जदयू के कैंडिडेट थे इसके बाद, और बीजेपी ने इनसे जो बोलवाना था बोलवा करके आंदोलन को डाइवर्ट करवाती है। देशद्रोही या आतंकवादी कैसे हो गया? वो गलत बोला, जेल में डालो कानून के तहत।